नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आरएमसी दिसंबर 2023 की मेरिट लिस्ट आ चुकी है और उस मेरिट लिस्ट में कुछ हमारे भी रिजल्ट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और कैसे आप रिजल्ट को देख सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा और अनाउंसमेंट भी दूंगा लास्ट में कि हमारा नया बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, पहले रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो वी हैव फरीन, हम बार बार लाइव सेशन में फरीन, मोहम्मद फरीन जो आसाम से है उसके बारे में बात करते हैं। ये इमेज हमारे इंटरव्यू की है, हम किस तरीके से बच्चों के इंटरव्यूज लिया करते थे गूगल मीट में, उसकी इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आयुष्मान सिंह शेखावत है राजस्थान से। आयुष्मान सिंह शेखावत अभी रिजर्व लिस्ट में है, ठीक है, ही इज़ इन द रिजर्व लिस्ट, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी हमारी तरफ से तो ही इज़ क्वालिफाइड और अभी भी चांसेस हैं इसके नंबर आने की, क्योंकि आपको बताइए मेडिकल में बच्चे बाहर होते हैं और उसके अलावा कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं, तो उस वजह से भी कभी कभी नंबर आ जाता है। फरीन आसाम से है, ठीक है, फरीन के नंबर आयुष्मान सिंह शेखावत से कम है, क्योंकि स्टेट का मैटर रहता है, स्टेट वाइज रिजर्वेशन रहता है इसमें, तो थोड़ा सा फरीन सिलेक्टेड है आसाम से, ठीक है, और आयुष्मान है हमारा राजस्थान से। तो कैसे दीपक सर और मैं बच्चों के इंटरव्यूज़ लेते हैं जो जो रिटर्न क्वालिफाई करते हैं हमारे, ठीक है। अच्छा, साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्रीराज नखाटे, ठीक है, यहाँ पर मैं हूँ और यहाँ पर अंकिता मैम है, तो श्रीराज निखाटे का भी हमने प्रॉपर इंटरव्यू लिया है। हमारा यूट्यूब स्टूडेंट रहा है श्रीराज निखाटे, पेरेंट्स से मेरी काफ़ी बातचीत होती थी, पेरेंट्स देहरादून भी आते थे, मिलते थे, काफ़ी लंबी चर्चा रहती थी और उसी वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में श्रीराज निखाटे ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। मैं क्रेडिट देना चाहूँगा श्रीराज निखाटे के पेरेंट्स को, रमेश निखाटे जी को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, वही उन्होंने ही इसको मैथ्स पढ़ाई है। हाँ, थोड़ा बहुत गाइडेंस इसने मुझसे भी लिया है, ठीक है, यूट्यूब के थ्रू, प्लस हमारा कहीं ना कहीं इंटरव्यू जो प्रोग्राम था उसमें तो इसने हमारे साथ खूब पार्टिसिपेट किया है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप ये बात मान लीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप आरएमसी क्वालिफाई कर सकते हो, जैसे श्रीराज निखाटे ने क्वालिफाई किया और उसका भाई ऑलरेडी इज इन दी आरएमसी, ओके। अच्छा, अब ये तीन रिजल्ट्स हैं हमारे और आप कैसे देखेंगे रिजल्ट्स, उनके बारे में भी मैं बात करना चाहूँगा कि कैसे आप रिजल्ट्स देख सकते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप वेबसाइट rmc.gov.in इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, इसको थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो आपको रिजल्ट वाला सेक्शन मिलेगा और इस रिजल्ट वाले सेक्शन में आपको स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट, जोन वाइज या ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट फॉर गर्ल्स, ये सब देखने को मिल जाएगी। आप कोई भी खोलेंगे, सपोज मैं स्टेट वाइज खोलूँ तो इस तरीके से स्टेट वाइज आपको देखने को मिलेगी, इसमें सारे स्टेट्स मैंशनड है, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ठीक है, सारे अल्फाबेटिक ऑर्डर में रहते हैं, तो आप इस तरीके से स्टेट वाइज देख सकते हैं कि आपकी स्टेट से कितने बच्चे निकले हैं, ओके। और जिन जो बच्चे निकले हैं आई होप उनके पेरेंट्स ने तो देख ही लिया होगा, उनको तो ऑलरेडी मालूम पता ही है। और ये फिर ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया रैंक वन किसकी आई है, जैसे जितिन मिश्रा है एक बच्चा उत्तर प्रदेश से, तो सभी बच्चे वैसे बधाई के पात्र हैं, लेकिन जिसकी ऑल इंडिया रैंक वन आई है उसको भी ढेर सारी बधाई डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी की तरफ से, ओके। 327.25 मार्क्स हैं, आप देख सकते हैं पेपर मैथ्स का किस तरीके का था, किस लेवल का था, उसके बाद भी बेहतरीन प्रदर्शन रहा है बच्चों का, ओके। और जिस तरीके से मैंने बच्चों से बात करी थी कि मैथ्स का पेपर, क्योंकि इट वाज फ्रॉम इंटरनेशनल ओलंपियाड, तो बच्चों ने अगर उसको अटेम्प्ट किया है तो कहीं ना कहीं बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। जो हमारे बच्चे हैं कहीं ना कहीं उनसे जो मेरा असेसमेंट था जब इंटरव्यू में मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने क्लियरली बताया कि सर क्वेश्चन तो हमें भी नहीं आते थे बट हमने उसको प्रॉपरली अटेम्प्ट किया और कुछ फॉर्मूलेज लिखे, तो इसलिए शायद से हम लोग एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए। तो इस तरीके से आपको ऑल इंडिया ये मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। हाँ, लेकिन ये तो रहता ही है इसमें कि जैसे देवांश है एक बच्चा, ठीक है, देवांश एक बच्चा है, ऑल इंडिया रैंक 5 है, मध्य प्रदेश से है, 303 नंबर है, 303.50, लेकिन रिजर्व लिस्ट में है। इस स्टेट का कोटा रहता है क्योंकि उससे ऊपर एक मध्य प्रदेश का, क्योंकि मध्य प्रदेश की एक सीट है, तो मध्य प्रदेश का, क्योंकि एक बच्चे के अच्छे नंबर आ गए तो ही इज सिलेक्टेड, तो ये बेचारा रिजर्व में आ गया। और उससे नीचे एक बच्चा कार्तिक है उत्तर प्रदेश का, नंबर कम है लेकिन सिलेक्टेड है, ठीक है, ओके। तो ये स्टेट वाइज कोटा थोड़ा सा इसमें बड़ा डाइसी है, वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि बच्चे खूब मेहनत करें, बच्चे अगर मेहनत करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो उसके बाद अगर ओके, उसके बाद अगर मैं फिर से रिजल्ट पे आ जाऊँ तो यहाँ पर आपको ये सारे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ये सारी ऑल इंडिया रैंक्स हैं लड़कों की, तो इसमें आपको जो मैं अभी रिजल्ट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा था इसमें आपको देखने ये आसपास ही हैं सारे। तो ये है श्रीराज रमेश निखाटे, इसके 270 मार्क्स हैं, ही सिलेक्टेड,
मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये सिलेक्टेड है, और आयुष्मान सिंह शेखावत है, इसकी रैंक 21 है, राजस्थान से है, बट ही इज़ इन द रिजर्व लिस्ट। ज़्यादा अंतर नहीं है नंबरों पे, 269.50, 270.75, तो आप समझ सकते हैं कि 0.75 मार्क्स इससे भी ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो एक एक मार्क कितना ज़रूरी है आरएएमसी में, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और फिर मोहम्मद फरीन, तो रैंक 20, रैंक 21 और रैंक 23 डीओए ने दी है, मोहम्मद फरीन है आसाम से, 264.75 नंबर है, कम नंबर है, ठीक है, आयुष्मान सिंह शेखावत से, बट देन ऑल्सो ही इज सिलेक्टेड, तब भी इसका सिलेक्शन है, क्योंकि क्योंकि आसाम स्टेट से है ना, आसाम का भी तो जो रिप्रेजेंटेशन है वो पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग रिजल्ट्स देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में, ओके। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। लास्ट में जाते वक्त एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी बच्चों को इसके बारे में मालूम भी है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी का जो ऑफलाइन बैच है और लाइव बैच है आरएएमसी का, वो 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। इवन सैनिक स्कूल और आरएएमएस का भी ऑफलाइन बैच 17 से ही स्टार्ट है, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज मत हो जाइएगा कि दिस इज़ ओनली फॉर आरएएमसी, दिस इज़ ऑल्सो फॉर सैनिक स्कूल एंड आरएएमएस, ओके। 17 तारीख से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 17 तारीख को बच्चे कह रहे हैं कि सर ईद की छुट्टी है, लेकिन हम लोग कोई छुट्टी नहीं दे रहे, 17 से हमारा बैच स्टार्ट है। और मैं आपको बता दूं कि हमारा लाइव और ऑफलाइन दोनों सिंक हो चुका है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर बच्चों को ऑफलाइन पढ़ा रहे होंगे, इसी प्लेटफॉर्म में लाइव भी उसी वक्त गूगल मीट में बच्चों को लिंक जाएगा, और गूगल मीट के बच्चे वही क्लास ऑफलाइन वाली एज अ लाइव अटेंड करेंगे, ओके। प्रेफरेंस थोड़ा सा डाउट्स में लाइव बच्चों को दी जाएगी, क्योंकि लाइव बच्चों के पास बाद में एक्सेस नहीं मिलता हमारा, जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो तो आफ्टर द क्लास हमसे सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो टाइमिंग्स बड़ी अमेजिंग है, अब तीनों ही जो महारथी हैं इंक्लूडिंग मी, हम आपको पढ़ाएंगे आरएएमसी के लिए, और मैं कहना चाहता हूँ कि वी आर बेसिकली द बेस्ट फैकल्टी फॉर आरएएमसी ऑल ओवर इंडिया, ओके। इतना मैं चैलेंज करूँगा, कोई भी हमें चैलेंज करे इस फील्ड में, मुझे लगता है कि वी आर द बेस्ट फैकल्टी, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप हमारे वीडियोज़ देख लीजिए, और अगर आपको हमारे क्रेडेंशियल्स जानने हैं तो प्लीज़ आप हमें कॉल करके हमसे पता कर सकते हैं। हाँ, लिमिटेड सीट्स हैं, इस बात के बारे में ध्यान रखिएगा, आप जल्द से जल्द रजिस्टर करें, और दिज आर द नंबर्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। टाइमिंग्स में एक बार फाइनली डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, और फिर आपसे लूँगा अलविदा। टाइमिंग हमारी 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7 है, इवनिंग की टाइमिंग्स हो चुकी हैं, यही ऑफलाइन की भी टाइमिंग्स हैं हमारी, ठीक है। 4 से 5 इज़ गोइंग टू बी मैथ, 5 से 6 इज़ गोइंग टू बी इंग्लिश, एंड देन 6 to 7 इज़ गोइंग टू बी जी के। तो इस तरीके से हम तीनों ही सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। जहाँ तक लाइव क्लास का सवाल है, तो मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेंगी, ओके, आप लोगों की। ऑफलाइन तो मंडे टू सैटरडे चलती है, ऑफलाइन में सैटरडे को क्लासेस नहीं होती, पर्सनालिटी सेशंस रहते हैं, कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ रहती है, ओके। तो मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेंगी, ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली है। और कोई भी ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप ज़रूर नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिएगा, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय, See you soon. All the best. Jai Hind.